देखिए हमारे इस चैनल में आइए, लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा ईपीटेट, सीटेट, बीटीसी और बीएड के सिलेबस एसटीटी पीडीएफ में ई बुक प्राप्त कीजिए, हैंडराइटिंग नोट्स प्राप्त कीजिए तथा अन्य समस्त जानकारी भी प्राप्त कीजिए इस चैनल पर आकर। आता है प्रश्न, ईपीटीएलडी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर का नाम है पहला, पेपर पहला होता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आता है बाल मनो, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत आने वाले निम्न भाग होते हैं, इन भागों पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र क्या है, क्यों आवश्यकताएं होती हैं, पहला चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर है बी बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, सस्यावस्था आदि होती, गर्भावस्था, ये काले होते हैं, इनके विषय में दूसरे चैप्टर में हम विस्तारित अध्ययन करते रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में देखा गया है कि बालक की शारीरिक विकास की गतियां कैसे होती हैं, किस स्तर पर कितने शब्दों का विकास होता है, कितने शब्द कितने उम्र के बाद अर्जित करते हैं, जैसे जन्म से लेकर 5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 18 वर्ष, 17, यानी इस तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शब्दों का बोध ज्ञान होता जाता है। तो इस तरह से शारीरिक विकास की तरह से दृष्टि से देखा जाता है। डी क्वेश्चन आता है मानसिक। मानसिक विकास में मानसिक विकास के अंतर्गत देखा गया बुद्धि विकास। बुद्धि में इंटेलिजेंस चैप्टर होता है, जिसमें बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है, बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, इनकी सारणियां कितनी है, कितने पर कैसे होते हैं, कैसे बालक होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ठीक है, और अन्य प्रकार के ऐसे स्टेप होते हैं जो हम इंटेलिजेंस मानसिक विधि में पढ़ते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं